अब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, जितना मेहनत आप यूपीएससी में करते हो या यूपीपीसीएस में, जो भी है पीसीएस पीएससी में करते हो, एक अपना बैकअप प्लान रखो क्या करना है। मालूम ना आपने यूपीएससी निकला नहीं, आपका बैकअप प्लान कोई है नहीं, तो आप क्या करोगे बताओ? आपकी हड्डियां चुर चुर हो जाएंगी जब तक आप पहुंचोगे ए, स्टेज। मुझे ये बताइए सोबित ब्रो, यूपीएससी जर्नी में काफ़ी वो होता है, मतलब कि काफ़ी लोनली जर्नी है ये। हाँ भाई, एक्चुअली और क्या है, स्टार्टिंग में तो आपको काफ़ी अटेंशन मिलता है कि यूपीएससी की जो तैयारी में। एस्पिरेंट है, हाँ एस्पिरेंट है, काफ़ी अटेंशन भी मिलेगा और आसपास काफ़ी रिकॉग्नाइज भी हो गया आप। लेकिन फाइनली क्या है, आपके एक अटेम्प्ट होगा फ्यू दो, फेलियर्स के हाँ बाद। हाँ दो चार अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको सोशल प्रेशर इतना आएगा कि कुछ पूछो मत, क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मदर एंड फादर, हाँ पेरेंट्स भी आपको कहेंगे, साले बीटेक किया तूने, उसके बाद क्या कर रहा है तू, ठीक है प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया, एमटेक क्यों नहीं किया, ठीक है एमटेक ड्रॉप आउट क्यों किया, समझ अच्छा। लो। तो ये कुछ बचता नहीं आपके पास, ठीक है, इसलिए अपॉर्चुनिटी मिले। फैमिली भी सपोर्ट करना बंद कर देती है हाँ कुछ हाँ हाँ अटेम्प्ट्स के बाद, अपना राइट? तो यही था गाइस कि मतलब एस्पिरेंट्स एक बार आ तो जाता है यूपीएससी में, बट उससे निकलना बहुत ही मुश्किल है गाइस। भाई ने कैसे हैंडल किया मेंटल हेल्थ इशू को, उसको अभी थोड़ा जानेंगे। आपने अब ब्रो मेंटल हेल्थ इशू पे जो भी आपने कैसे रिकवर किया था, तो आप घर गए थे वहां पे? 2018 में मैं पूरा ब्लैंक हो गया था अच्छा, और मेरे को नाम भी याद नहीं रहते थे देखो गाइस उस साइड टाइम। इफेक्ट देख लो गाइस, इतना मेमोरी लॉस्ट। हाँ उससे पहले मैंने मेंस लिखा था ईएस। अच्छा हाँ तो फिर मैं क्या, इतना प्रेशर में आ गया था कि मैं सोता ही नहीं था। 6 मंथ 6 महीने का टाइम लगा रहता था आपका प्री और मेंस में। प्री का रिजल्ट आने के बाद आपके पास 6 महीना था, 5 to 6 month रहता है। तो यार मैंने फिर सोना ही बंद किया, मतलब अच्छा दो 2 घंटे सोता था। फिर मेरे को चीजें तो आती थी, लेकिन क्या यार फिर लास्ट में क्या हुआ, जाके जब मेरा मेंस था तो फाइनली क्या हुआ कि मैं सस्टेन नहीं कर पाया। अच्छा 3 दिन जैसे मेरे को नींद बंद हो गई, मैं सफदरजंग गया, सफदरजंग में मेरे को ये बोला गया कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद मैं बत्रा भी गया, हाँ तब मेरा छोटा भाई मेरे साथ रहा हाँ 2 3 दिन, लेकिन कोई फायदा नहीं। बत्रा में जा रहा हूँ तो बत्रा में कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि मैं जाता था तो मेरे को नींद का प्रॉब्लम हो गया था, अच्छा इंसोमनिया करके हो गया था, तो मेरे को नींद ही नहीं आता था, 24 24 घंटे पढ़ सकता था, ऐसा हो गया था, ठीक है। लेकिन क्या है, लास्ट में आके प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, अरे समझ मतलब लो। फियर काफी हाँ आम। बहुत ज्यादा डर होता था तो उससे नींद नहीं आता। फिर क्या है, पत्र आ गया, वहां पे बोला गया कि एल्कोहल कंज्यूम करो थोड़ा थोड़ा। ऐसा बोला हाँ सही था एल्कोहल? भाई। हाँ गया, क्योंकि मैं नींद की गोली लेने लगा, उससे भी खा के नींद मेरे को नहीं आती थी फाइनली, समझ रहे हो। तो नींद नींद की गोली में 2 2 3 दिन खा के जाता था डॉक्टर के पास, तो मेरे को नींद नहीं आ रही, ठीक है। और फिर उसके बाद यार ये जो एंगेजमेंट के बाद तो और ज्यादा प्रेशर हो गया, फिर मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ चली, फिर मैं अभी डिप्रेशन की दवाइयाँ अभी फाइनली खा रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी पढ़ाई छोड़ चुका हूँ। तो सभी ब्रो आप ये बताओ कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट जो मेंटल हेल्थ इशू फेस करता है, उसमें क्या मतलब कि वो मतलब ये सब उसको इशू ना आए, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, इंट्रैक्शन करना चाहिए कहीं? भाई देखो ऐसा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप हाँ तैयारी कर लो तो आप पूरा कट ऑफ नहीं होना समाज से। हाँ समाज से कट ऑफ नहीं होना, प्लस यूपीएससी लास्ट ऑप्शन नहीं। यूपीएससी को लाइफ नहीं बना ले, हाँ बस प्लान बी एज पे, ए एग्जाम ही लेना हाँ चाहिए। बस प्लान बी पे काम करते रहो अपने, जो भी प्लान बी है आपका उस पर काम करो, ठीक है। यूपीएससी नहीं हुआ, एसएससी है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अभी मैंने फाइनली जब 2022 में आया मैं हाँ यहाँ पे दिल्ली, फिर से रिज्यूम किया मैंने, तो मैंने यार बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अच्छा हाँ जैसे मैंने बीटेक का तो मेरे को आता था मैकेनिकल, पूरा आता था अच्छे से, फिर मैंने जीएस पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। फिर मेरे को एक पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम आया था बीच में, तो उसके प्री के लिए मेरे को एसएससी लेवल का मैथ्स वगैरह पढ़ना था, वो मैंने सारा एग्जाम भर दिया। अच्छा हाँ और फैक्चुअल लेवल का मैंने खत्म किया सारा, समझ लो। मैंने काफी कुछ पढ़ा, मैंने राजस्थान पीएससी का भी पढ़ा, लेकिन फाइनली दिया नहीं मैंने। अच्छा हाँ डर डर क्या यार, उतना उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं हुआ, लेकिन एसएससी लेवल का मैंने सारा सब कुछ पढ़ लिया 2 2.5 3 महीने में, समझ लो। मतलब मेरा मेमोरी लॉस हुआ, फिर मैंने रिकवर कैसे किया, इसका रीजन ये है कि यार मैं मतलब आप सब कुछ, हाँ मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ ये क्या है एग्जाम एग्जाम, हाँ मतलब लाइफ लेकिन से बढ़कर कोई नहीं एग्जाम नहीं ही रहेगा एक्चुअली क्या? क्या है, फिर मैंने देखा यार कि मैं
सोच रहा था कि मैं डीएम एसडीएम बनूंगा, वो मैं जीरो पे आकर अटक गया हूँ, समझ रहे हो। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे और होने वाली पत्नी भी सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर एक हो जाता है यार कि यार दिमाग खराब होता ही है, समझ रहे हो। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो सब कुछ छोड़ना इन द सेंस कि मैंने बात ही करना छोड़ दिया सबसे। अच्छा, कट ऑफ कर लिया, हाँ पूरी नेगेटिव माइंड, हाँ नेगेटिव हाँ माइंड्स को कट ऑफ कर फिर दिया। फाइन मेरे साथ ये भी बड़ी घटना हुई बीच में 2023 में, कि मतलब मार्च अप्रैल के अंदर, तो मेरा मैंने टेस्ट कराए अपने सारे, क्योंकि तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरी बॉडी में, तो लीवर मेरा खराब हो चुका था, अच्छा हाँ 50% के लगभग, और किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत ज्यादा हाई हो चुका था, लगभग 220 230 के लगभग, ठीक है। फिर हार्ट में भी प्रॉब्लम, दर्द होने लगा, ठीक है। और मैं बैठे बैठे जैसे जाना भी पड़ रहा है ना, जैसे जनवरी का टाइम था 2023 में, तो मेरे हाँ, को पसीना पसीना हो जाता था, अच्छा हाँ, और वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया। और आपका न्यूरोन जनरेशन तो होता नहीं, क्योंकि कोर्टिसोल लेवल इतना ज्यादा हाई था, रात में पढ़ रहे हैं दिन में पढ़ रहे हैं, तो एकदम अटैक्स आते थे, ठीक है, कि मेरे इन लॉज ये ना बोल रहे हैं, ये ना करते हैं, वो ना करते हैं, ठीक है, निगेटिव थॉट्स ज्यादा आते थे, ठीक है, और कोई सपोर्ट नहीं था। तो हाँ फाइनली यार भाई ये फिर मतलब ये तक हुआ है मेरे साथ कि मैं फीवर में हूँ, तो फीवर को मतलब कम करने के लिए दवाई खाते हैं, मेरा फीवर और बढ़ जाता था, अच्छे हाँ मतलब उल्टा हो रहा था सारा जिंदगी में, और मतलब ब्लड इतना ज्यादा वो हो गया, थिक हो गया, समझ रहे हो, और ब्रेन तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, समझ रहे हो। तो गाइस, यही था पापा सॉरी पे। इन्होंने काफी रियल एक्सपीरियंसेस शेयर किया है मेंटल हेल्थ इश्यू को लेके। तो मेंटली सॉरी, यार आपको एक्टिव रहना है ना, तो सिंपली आप योगा करो, मुद्रा होती मतलब फिजिकल मुद्रास एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है भाई। देखो ऐसा है, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे हाँ, आपको एक मिलेंगे। एस्पिरेंट क्या मिस्टेक कर देता है जब यूपीएससी। एस्पिरेंट यही मिस्टेक करता है, उसको थोड़ा भी अचीवमेंट मिल जाता है ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है, फिर वो अंधाधुंध में मेहनत करता है, लेकिन कुछ होता नहीं, रिलैक्स हो गया अपना, तैयारी करो, ठीक है एक दो अटेम्प्ट नहीं हो रहा तीसरा दे दो, लेकिन लूप में भी नहीं फंसना कि साला 6 ही अटेम्प्ट दे के निकलूंगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं। बीए एमए आपने किया है, जो भी किया है, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो थोड़ा थोड़ा प्लान बी पे भी काम करो, अदरवाइज यार लाइफ को फक करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब अपने चॉइसेस की वजह हाँ से ही अपने हाँ लाइफ और को। प्लस ये भी है यार कि काम करो अपने ऊपर, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो। अब मेरा वेट मैंने 15 किलो कम किया है ढाई मतलब महीने में अभी एक्चुअली, हाँ मेरे को अभी हाँ ढाई अभी तीन मतलब काफी हेल्थ पे हाँ फोकस कर रहा हूँ। हाँ नहीं, अभी मैंने एक्चुअली 3 महीने पहले ही दो ढाई महीने मैंने दिसंबर में पढ़ाई छोड़ दी, अच्छा हाँ नवंबर दिसंबर में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर उसके बाद मैंने रनिंग और अपना खाने पे फोकस किया फाइनली, तो मेरा वेट 15 किलो मैंने कम किया, और अभी मैं बहुत जल्दी फील करता हूँ, हेल्दी हाँ। फील तो लेकिन यार थोड़ा डिप्रेशन तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि अब फाइनली कुछ अच्छा डिसाइड किया मैं, जो मेरा प्लान भी था उस पे काम करूँ। जब प्लान बी पे एस्पिरेंट्स का, जो प्लान बी पापा सॉरी ऑल अबाउट अल्टरनेटिव बायस। तो प्लान बी के बारे में सोबित ब्रो का काफी एम्फेसिस है। इन्होंने काफी एम्फेसाइज किया प्लान बी को लेके कि एक चीज को पकड़ के मत रखो, यूपीएससी यूपीएससी मत करते रहो गाइस, नहीं तो ये आपका लाइफ खत्म कर देगा, पूरी अच्छी तरह से खत्म कर देगा और गाइस। देखो मेन ये भी होता है भाई, आप कहीं पे रहते हो ना, जैसे मैं जिस लाइब्रेरी में रहा वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर, मैंने नेगेटिविटी को देखा। यूपीएससी में यूपीएससी में क्या है, किसी भी लाइब्रेरी में आप वो यूपीएससी एस्पिरेंट के बीच में भी बैठ रहे हो, तो वो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है एक्चुअली, अच्छा ठीक है, आपको डिमोनाइज कर रहे हैं कि आपने क्या उखाड़ा, आपने क्या अच्छा हुआ आपका, ठीक है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट दे आर अबाउट टू हाँ जज। हाँ, तो भाई उसमें मैं पहले से डिप्रेस, फिर मेरी लड़ाइयाँ होती थी, अच्छा हाँ यार ये नहीं करना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो दूसरे को सपोर्ट करता है, सपोर्ट कर। ये नहीं कि आपने क्या उखाड़ा क्या नहीं उखाड़ा, आप निकाल निकाल के दिखाओ, ठीक है, आपको खुद ही कुछ नहीं हो रहा, आपने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, आप समझ लो यूपीएससी निकाल लोगे, बेटा मैंने तुझे ने कितने सब्जेक्ट पढ़ लिए, समझ लो तो यार, मैं मतलब मैकेनिकल में 14-15 सब्जेक्ट होते हैं, वो मेरे को रटे हुए हैं, ठीक है, मेरा गेट में अच्छा रैंक है, प्लेसमेंट हुआ आपका। प्लेसमेंट हुआ था, ईएससी में रैंक, ईएससी का इंटरव्यू दे के बैठा हूँ, अच्छा आपने क्या वो खाड़ा, आपने तो बीए किया हुआ है, और आप मेरे को जज कर रहे हो यार। फिर मैंने नेगेटिविटी को थोड़ा कट ऑफ किया। हाँ कट ऑफ किया कि लोगों से
कर दिया बात करना पॉलिटिक्स में। ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट कर रहे हैं कि भाई तूने क्या उखाड़ा, तूने क्या नहीं उखाड़ा, बहुत सारे बंदे हैं जो मिस उसमें जी रहे हैं कि उनका होना जाना कुछ नहीं है। अरे छोड़ो तैयारी, अपने लाइफ पे फोकस करो यार, अच्छे तो आदमी। शोकित भाई आप ये बताओ कि अब टू कौन से स्तर की यूपीएससी देना चाहिए और कब छोड़ देना भाई चाहिए देखो यूपीएससी। एवरेज लाइफ तो 25-26 ही बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा ही कीड़ा है तो 27 तक दे लो, ठीक है। यूपीएससी 27 तक सजेस्ट हाँ करोगे हाँ नहीं। हाँ भाई होना ही चाहिए। आप ये देखो ना 1843 में क्या हुआ था, सिविल सर्विसेज आएंगे यस तो वो यस क्या हुआ था, उनने 21 ईयर ओल्ड को एप्लीकेबल था कि वो एग्जाम दे सकते हैं, यस 21 साल का बंदा उससे ऊपर नहीं दे सकता, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद कोचिंग स्टार्ट हो गई थी स्मॉल स्केल पे ही, फिर उन्होंने 19 ईयर ओल्ड कर दिया, समझ लो। 21 से रिड्यूस करके हाँ 19 कर हाँ दिया था, हाँ 1853 के बाद हाँ है हाँ ना, कि भाई 19 ईयर्स ओनली, हाँ 19 साल आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और आप अपना एग्जाम क्लियर करो। दो क्लियर करो हाँ मतलब। और अभी का सिचुएशन तो आप जानते ही अभी हो 32 साल जनरल के लिए है, 35 साल ओबीसी एंड एससी के लिए तो इनफाइनाइट है, बूढ़े होते तक देते रहो। हाँ। तो गाइस ये गवर्नमेंट भी ये सपोर्ट कर रही है, लोगों को फंसा के रखी हुई है कि आप देते रहो एग्जाम और यूथ फेस अपना खराब कर लो, लाइफ खराब कर लो। और यूपीएससी मतलब यार काफी हवा बना के रखा हुआ गाइस। और इस इंटरव्यू से आप लोगों को गाइस रियलिटी पता लगेगा यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी का डिसीजन सडनली नहीं लेना है, किसी के बहकावे में आके नहीं लेना है। और मतलब मेंटल हेल्थ तो बहुत काम करना है, मेंटल है तो और फिजिकल यदि आप एक्सरसाइज। हाँ फिजिकल एक्सरसाइज करना, और प्लस आपको यदि यूपीएससी का तैयारी करना है ना तो आपको टेंशन का टी नहीं आना चाहिए। शोभित ब्रो अब आपने लाइफ में अब अल्टरनेटिव क्या देख रहे हो कि मतलब आपने तो अभी अल्टरनेटिव के रूप में क्या चल रहा है आपके लाइफ में। यार देखो जब यूपीएससी के बाद कुछ ना लगे ना तो अपना यार फिर वही प्लान भी तो मेरा वही था, पढ़ाना था, क्योंकि मेरा फिजिक्स मैथ अच्छा था। हाँ अच्छा स्टार्टिंग से गांव वालों का रहते ही है यार, ठीक अच्छा अच्छा है। अब कही है नीट और जेई का पढ़ाएंगे, हाँ अच्छा नीट एंड जी का जेई का फिजिक्स मैथ पे काम कर रहा हूँ अभी, लेकिन एक एक सब्जेक्ट ही पढ़ाऊंगा अभी। स्टार्टिंग मेरे को खुद की कोचिंग से करना पड़ेगा, हाँ अभी खुद की कोचिंग ओपन करनी है, फिर उस पर पढ़ाना है बस। हाँ बीच में भी मैंने पढ़ाया है, आपको एक्सपीरियंस है मतलब। हाँ, मैंने पायनियर में पढ़ाया है, मैंने AOEC करके कोचिंग थी, छोटी कोचिंग थी लेकिन हाँ वहाँ पढ़ाया मैंने, अच्छा अच्छा ठीक है। तो अपने को एक्सपीरियंस तो है बस। तो शोभित ब्रो एस्पिरेंट्स को अल्टरनेटिव्स के बारे में कुछ बता सकते हैं यार अल्टरनेटिव क्या, देखो अब आप यूपीएससी एस्पिरेंट हाँ को। यूपीएससी एस्पिरेंट का यही है, देखो आपने बीटेक वगैरह कहीं से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपका ये जो प्लान बी है सही होना चाहिए, एग्जीक्यूट कर लोगे हाँ आप। एग्जीक्यूट कर लोगे। लेकिन बीएससी वालों को यार प्लान बी के को यूपीएससी के साथ ही रखना पड़ेगा, अच्छा हाँ एसएससी होता है। अब जब आपसे एसएससी नहीं निकल रहा तो हाउ इज इट पॉसिबल टू क्लियर यूपीएससी, समझ लो, नहीं होता यार फिर अच्छा जी डींगे आंगने से कुछ नहीं होता कि दिव्या तनवर का 483 रैंक आ गया तुम्हारा भी आ जाएगा, 105 ले आई वो, यार उसका बैकग्राउंड अलग था, ठीक है। अच्छा 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 और दिव्या तनवर एक होती है, साफी हसन का देख लिया। अब ये शॉर्ट्स एक तो लाइफ को बिगाड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, समझ लो, बंदे इसी पे इसी को देख के अपना तैयारी स्टार्ट कर देते हैं यार, अंदर से कोई मोटिवेशन है नहीं, ठीक है। आपका एथिकल बैकग्राउंड कुछ है नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होगा फिर, समझ लो। लाइफ को खराब करने से बढ़िया है कुएं में कूद के मर जाओ साला। अच्छा, हाँ आपका भाई ऐसे जल जल के मरोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ लो। तो भाई तैयारी करो, 2-4 साल दो, नहीं हो रहा स्विच ऑफ करो अपना अनदर फील्ड, क्योंकि देखो इंजीनियर्स तो का क्या आप है मतलब मैक्सिमम या थ्री अटेम्प्ट सजेस्ट कर रहे हो हाँ एस्पिरेंट्स हाँ को। 3 से 4 अटेम्प्ट दो। और मेन क्या होता है देखो इंजीनियर्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ ये पॉजिटिव पॉइंट है, या कोई भी लॉ ग्रेजुएट है तो उसका ऑप्शनल लॉ है तो वो अपना LLB कर किया हुआ है तो अपना कचहरी में काम कर लेगा। इंजीनियर्स को क्या है, मैकेनिकल मैंने किया है तो मैं कोई स्किल सीख सकता हूँ, ठीक लर्न है। करके आप प्राइवेट हाँ सेक्टर में हाँ हाँ स्विच ऑन प्राइवेट, कर हाँ सकते। बस मेरे से ऐसा तो मेरा तो प्लान बी यही था कि पढ़ाना है मेरे को, पढ़ाना है आपका। लेकिन वो मेरे को अभी रियलाइज हुआ प्लान बी भी, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा हाँ पहले तो मैं यही था कि लास्ट 6 मंथ में हाँ रियलाइज हुआ आपको। हाँ क्योंकि मेरा कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया, मैं चलने की हालत में भी नहीं था, ये हालत हो गई कि चल भी नहीं पा रहा, ठीक है। मेरा इतना एज नहीं है, फिर एज पे कमेंट करते हैं, मतलब नेगेटिव प्रेशर इतना ज़्यादा, समझ रहो, तो वो हैंडल नहीं हो रहा था, क्योंकि एक थियर्सोल्ड लेवल होता है उसके बाद आपको छोड़ देना चाहिए यार, मरना थोड़े ही ना है।
मरने के बाद तुम्हारा यूपीएससी निकला तो क्या ज्वाइन करोगे, कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो अपना एंजॉय करो लाइफ को, लाइफ पढ़ते का मतलब लोग सोशल कट ऑफ करने के बाद, लाइफ जो सोचता है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, यूपीएससी सिर्फ करेंगे, कट ऑफ होके करेंगे, भाई इससे देखो। ज्यादा डिप्रेशन में और लोनलीनेस और मतलब जाने के ज्यादा संभावना है हाँ हमको। यही कहना चाहूंगा भाई, देखो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं था कि रिसोर्सेस ना हो, ठीक है, फैमिली बिजनेस था मेरा, हाँ ठीक है, वहाँ पे भी मैं अच्छा ही कर रहा था, क्योंकि आप एजुकेशन को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, हाँ ठीक है। लेकिन यार मेन ये है कि यार आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है, आप 8 साल 10 साल यूपीएससी का तैयारी कर लो, इससे बढ़िया और कहीं तैयारी करोगे और कहीं अच्छा करोगे, मतलब मालूम है किसी आप। भी फील्ड में अगर 5 से 6 साल से ऊपर देगा तो हाँ सक्सेस होने के चांसेस हाँ क्योंकि यूपीएससी से तो ज्यादा है एटलीस्ट। हाँ यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत कम है यार। इंस्पेक्शन करो कि आप कर सकते हो, ठीक है, फिर भाई मालूम बड़ा आप 30 साल के हो गए, फिर आपकी हड्डियां काम नहीं करेंगी, आप बीमार पड़े रहोगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हर आदमी नहीं निकल पाता, ठीक है। हाँ मेरा तो ये था भाई, मेरे अंदर मोटिवेशन इतना ज्यादा था, फिर उसके बाद आप डिग्रेड हुआ, ओवरकम कर लिए हाँ लेकिन ओवर ब्रो। की, हाँ समझ रहे हो। और यार मेरा तो ये है कि मैं 1 साल भी खाना ना खाऊं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि चने खा के 3 महीने से रह रहा हूँ, ठीक है, फल फ्रूट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो चने खा के रह लेता हूँ, ठीक है। तो लीवर में प्रॉब्लम आ गई थी, काफी प्रॉब्लम्स हुई थी उसमें, तो उसे सस्टेन करने के लिए यार फिर खाना छोड़ना पड़ गया, क्योंकि मेरे लिए व्हाइट फूड अलाउड नहीं है। व्हाइट फूड में जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, राइस हो गया, फ्लोर हो गया, व्हाइट फ्लोर, व्हीट फ्लोर, ठीक है। तो इससे बढ़िया यार तैयारी करो, ठीक है, लाइफ को अच्छा बनाना है यार। प्राइवेट वाले इतने अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कि यूपीएससी इज अ लास्ट ऑप्शन, लाइफ थोड़ी ना है यार, लाइफ से बढ़ के थोड़ी ना है, निकाल भी लिया तो क्या, तो साला डेथ बेड पे पड़े हो तो यही सोच रहे हो, साला इससे बढ़िया तैयारी नहीं किए होते, किसी किडनी खराब हो जाए, महान लीवर खराब आदमी ने हो जाए। बोला भी है सोबित ब्रो कि आपके पास अगर हेल्थ है तो आपके पास सब हाँ कुछ हेल्थ है। इज वेल्थ यार, लेकिन यार देखो ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करो, सबको करनी चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है, हाँ इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। हाँ तो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स जो भी है, मतलब इंजीनियर्स का ये तो है मैथ्स अच्छा रहता है तो वो एसएससी फोड़ सकते हैं, देयर आर सो मेनी एग्जाम्स दे कैन क्लियर, लेकिन वो फिर अपना ये सब खराब कर लेते हैं यूपीएससी के चक्कर में, तो वो नहीं करना यार, समझ रहे हो, अपने ऊपर काम करो। फाइनली नहीं होता तो यार कुछ ऐसा है, जैसे यूपीएससी में आप ऑप्शनल ऐसा रखो कि जिससे पढ़ा सको, समझ लो, कोचिंग ऑप्शनल वोचिंग, हाँ ऑप्शनल हाँ ऑप्शन, काफी हाँ कॉन्शियसली लेना चाहिए। हाँ अदरवाइज यार आपके पास क्या ही रह जाएगा, समझ लो, हेल्थ चला गया, आपके एडल्टहुड चला गया, 20 से 30 साल का जीवन होता है भाई, उसके बाद तो खत्म ही होता है जीवन, ठीक है, फिर आप इधर उधर पागलों की तरह घूम रहे हो, समझ हाँ रहे हो, हाँ और हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता, हर एक के पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि होते कि वो, स्टार्टअप कर हाँ ले, बिजनेस कर हाँ ले, हाँ भाई ठीक है, क्योंकि मैं भी काफी 2018 में गया, मैंने अभी घर वालों से बोला कि स्टार्टअप करना है, उन्होंने फैमिली फैमिली बिजनेस पर डाल दिया, ठीक है, अच्छा। कोई नहीं देता भाई, आप पे विश्वास ही नहीं करता कोई, ठीक इतने है, फेलियर्स के बाद हाँ मतलब हाँ फेलियर्स फिर के बाद, ठीक है, फाइनली आपको अपना ही फिर कुछ करना है तो भाई फिर अपने ऊपर काम करो, यूपीएससी से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लाइफ ही खराब होनी है, और ये शॉर्ट्स देखना बंद करो यार, शॉर्ट्स से नहीं बन रहे यूपीएससी सोशल बैंकर्स। मीडिया पे हाँ अपने रील्स। आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है आपको, तो मेन क्या है, टीएलबी लगाओ, ठीक है, पढ़ो, टीएलबी लगाओ, इनसाइट के बहुत सारी कोचिंग्स टीएलबी प्रोवाइड करती हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं, आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना आ रहा, आप यूपीएससी करोगे यार, अब नीट की तैयारी कर रहे हो, आपके 6 साल तक नीट नहीं निकल रहा, क्या मतलब है यार, फिर 26 साल तक आप तैयारी नीट की कर रहे हो, फिर उसके बाद आप कर रहे हो, चाहे सीए दिस इज हो द चाहे कुछ। मैडनेस गाइस, इंडिया में इतना मैडनेस है हाँ ना कि अब चक्कर ये भी है ना, सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा वो कर दिया ना कि भाई डॉक्टर्स के वो आ जाते हैं, शॉर्ट्स आ जाते हैं, अच्छा। और वो 4 से गाने चल गए हैं वो मोटिवेशनल गाने, तू कर हर मैदान फतेह, समझ रहे हो, और वही उनसे कुछ नहीं होना, ठीक हाँ है, वो 5 मिनट का मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन आपकी कंडीशंस से होना चाहिए, समझ रहे हो। सही अब बात। आपके घर में नहीं है चद्दर ओढ़ने को और आप तैयारी करे जा रहे हो, सही समझ बात रहे हो, सही बात। बाहर पैसा उड़ाए जा रहे हो, जमीन पे जमीन बिकी जा रही है, अब घर का बैकग्राउंड देखो, ठीक है बेटा कुछ ना मिलेगा, तुम्हारा भाई 10वीं पास है, ठीक है, वो तुमसे अच्छा कर जाएगा और तुम्हारा यूपीएससी का ड्रीम ड्रीम रह जाएगा, उसी अंडर काम करोगे, समझ लो, क्योंकि तो मैं देखा हूँ भाई जो 10वीं पास है वो बैंचो ज्वेलरी का अच्छा काम संभाल रहा 70-80 थाउजेंड है। पर मंथली हाँ कमा अरे रहा अरे 70-80 भाई बोल दूंगा तो यहाँ इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, है। सही बात हाँ है। ठीक अरे है, भाई हाँ सेल टैक्स वाले आ जाएंगे, भाई आप कोई भी फील्ड, आप कपड़े का भी काम कर रहे हो ना, उसमें इतना कमाई है,
आप अपना बिजनेस करो, आप एक साला ट्रेडरी भी रख लोगे ना 10, जितना तुमने यूपीएससी में खर्च किया है, वो ई रिक्शा आते हैं ना उसके 10 ई रिक्शा खरीद लो, अब हाँ 3,000 रुपये 10,000 रुपये मंथ आप कमाओगे एक ई रिक्शा से, तो 10 का कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अब एक कुछ तो करो, मतलब यूपीएससी पे बैठने की बैठ जाओ जरूरत नहीं है गाइस, आप लोग और लाइब्रेरी स्टैग्नेंट नहीं होना भाई। लाइब्रेरी कल्चर जो दिल्ली में चल गया। लाइब्रेरी कल्चर तो ठीक है, लाइब्रेरीज तो होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए, अच्छा लेकिन ऐसा है ना यार, देखो लाइब्रेरी में आप करने क्या जा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा हाँ वहाँ छोरी छोरा मिल रहे हैं, हाँ निब्बा निब्बी बन रहे हैं, तो यार छोड़ो, कॉर्नर की सीट पकड़ो, डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि लड़कियां 3D होती हैं। अच्छा थ्री डी हाँ थ्री डी क्या है ब्रो, थोड़ा एक्सप्लेन करो। यार, डिस्ट्रैक्शन, हाँ डिस्टरबेंस, ओके डिप्रेशन, अच्छा ठीक है, तो वो ही है, समझ लो, वो कुछ नहीं है, समझ लो, आप अपने अपनी लाइफ पे फोकस करो, अच्छी से अच्छी लड़कियां मिलेंगी यार, क्यों, मतलब दोनों के लिए है भाई, लड़की लड़का दोनों के लिए है। और लाइब्रेरी में यही हो रहा है, मैं जैसे देख रहा हूँ कि निब्बा निब्बी बन रहे हैं, ठीक अच्छा है, अरे यार कॉलेज में करो निब्बा निब्बी, हनीमून बनाने का टाइम नहीं है ये, समझ रहे हो, भाई लाइफ पे लाइफ फोकस करो, नहीं तो हनीमून किसी के साथ नहीं बनेगा, ठीक है, फिर शादी भी ना होने की अपनी तो लोग हो जाएगी, ठीक है। अपना देखो, मेरी हो जाएगी तो मेरे को इतना डिप्रेशन हो गया, हाँ समझ लो, मेरा दवाई चला, मेरा लीवर खराब हो गया, मेरा किडनी खराब चल रहा था, मेरे को कोलेस्ट्रॉल लेवल 250 हो गया, ठीक है, बहुत सारी निगेटिविटी थी यार, उस पर ओवरकम किया, समझ लो। और जब मेंटल हेल्थ बिगड़ती है ना, तो आपका पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, आपको लेकिन आपके पास कुछ बचा ही नहीं यार। मैं तो हाँ अभी भी ये सोचता हूँ कि भाई सब कुछ खराब हो जाए ऊपर से नीचे तक, लेकिन ब्रेन चलना चाहिए। यस यस स्टीफन यस हॉकिंस क्या था भाई, उसका पूरा बॉडी काम नहीं करता, उंगली से काम करता था वो उसका, लेकिन ब्रेन नंबर वन है, समझ लो, यही खराब हो गया है तो क्या ही बचेगा, बताओ, आपको एंग्जायटी अटैक आ रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो आपका कहाँ कोई एग्जाम निकलेगा, खुद ही सोच लो ना, आपको कितना भी कुछ आ जाओ सब भूल जाओगे, जो तो अचीवमेंट्स हैं उस पर काम करो। देखो हर आदमी का एक स्पेसिफिक अचीवमेंट होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसे आता ही है, यस यस और नहीं आता तो सीखो, समझ रहे हो, यूपीएससी ही सब कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो सीख सकते हो यार लाइफ में, कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। अब निब्बा निब्बी बन रहा है लाइब्रेरी ज्वाइन करके, निब्बा हाँ निब्बी गेम खेलना है, तो ये हनीमून का टाइमिंग नहीं है, हनीमून का टाइमिंग होता है आपका जब आप कुछ बन जाते हो, ठीक यस है, यस आप यस 12 साल 14 साल पे आप निब्बा निब्बी बन रहे हो, तो आपका लाइफ में कुछ नहीं लिख के दे सकता हूँ मैं, कुछ नहीं होगा। तो और ये सभी तो यूपीएससी तो वही बंदे वो करते हैं, एक्सेस करते हैं कि जिनका निब्बा निब्बी वाला रिलेशन नहीं रहता, तो अपना लाइब्रेरी में अपना 100% दो, पढ़ाई करने जा रहे हो पढ़ाई करो, ठीक है, किसी पर कमेंट मत करो, बहुत सारे लोग हैं जैसे मेरे साथ थे, मेरे को डिप्रेस करते थे कि भाई क्या किया, ये किया वो किया, बूढ़े हो गए, ये हो गए वो हो गए, समझ रहे हो, तो वो बहुत चीजें, बाल झड़ गए हैं आपके, तो बाल तो झड़ेंगे भाई, ठीक है, सही आप इतना ज्यादा प्रेशर में रहोगे तो बाल झड़ेंगे, बहुत कुछ होगा लाइफ में, लेकिन भाई कमेंट मत करो, ठीक है, अपना काम करो, ठीक है, दूसरा जो कर रहा है वो कर लेगा, ठीक है। हाँ यस तुम यस यस साला सभी ट्रू लाइब्रेरी इसीलिए ज्वाइन की होगी बहनचो, दूसरे को डिमोरलाइज करने के लिए, तो झांटू तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सही है, ये भी ठीक सही है। है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहनचो देखो, हर बंदे को पता होता है कि उसे क्या करना है, अब यस तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा ना कि यूपीएससी क्या है, इतने डिस्कशन के बाद भी तो तुम हो चूतिया, ठीक है, अपना तो ये था बाप के बिजनेस में बैठ जाएंगे, वो भी नहीं होगा, तो बहनचो इतने स्किल आते हैं, ठीक है, इतने सब्जेक्ट्स आते हैं बहनचो, सारे पढ़ा लेंगे, ठीक है, तुम्हारे तुम्हें पढ़ा देंगे बहनचो, ठीक है, और सही पढ़ा है के आए हैं, ठीक है, तो बेटा किसी को जज मत करो। लाइब्रेरी में मैंने काफ़ी लाइब्रेरीज ज्वाइन की बहनचो, मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोरल किया गया, ठीक है, मेरे पे कमेंट किए गए कि बूढ़े हो गए हो, बाल झड़ गए हैं, ठीक है, बहुत सारे, तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई, जो डिप्रेशन में उसे तो परेशान मत करो, सही चूतियो बात अपना एग्जाम निकालो, तुम्हारा 20-30, मेरा 21 साल पे जॉब लग गया था, ठीक है, जिंदल पॉलीफिन में, चूतियो तुम साला दिल्ली में बैठ गए, तुम पे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, अबे मैं गांव से निकल के बहनचोद इतना आगे आ गया, ठीक है, मेरा ये मत सोचो मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, ठीक है, मेरे पास था बैकअप, मेरे पास फैमिली बिजनेस है, ठीक है, मैं वो ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन यस बहनचोद तुम्हारे पास क्या है तुम खुद देखो, समझ रहे हो, अब बाप को, बाप का खुद का तुम्हारे यहाँ ठिकाना नहीं है, और तुम्हें यूपीएससी निकालना है, अब निकालो यूपीएससी निकालो, लेकिन
प्लान भी रखो, नहीं तो कुछ नहीं होता जिंदगी में, तो कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हो। मेन आपका अपने यार, आपको खुद पता होना चाहिए यार, 10 साल आप खराब कर रहे हो, 20 से 30, वही तो जीने के थे बहनचोद। और एक बात याद रखना, लाइब्रेरी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे को वो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखो 20 साल तक जो तुम्हारा चेहरा होता है वो भगवान की देन होता है, 20 से 30 के बीच में जो चेहरा होता है वो आपकी मेहनत का देन होता है, ठीक है। तो किसी पे ये कमेंट मत करो बूढ़े हो गए बाल झड़ गए, बेटा हम जिम ज्वाइन कर लेंगे ना, तुमसे इतने स्मार्ट लगेंगे तुम्हारे, तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये 2 महीने का, 2 महीने में हमने बॉडी में 15 किलो कम कर लिया, अब 2 साल दे दोगे ना तो एरनोल्ड बन जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी की है वो ठीक है, नहीं निकला वो ठीक है, हमने छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन बेटा कमेंट नहीं करना, अरे एक बार तुम लूप से बाहर तो निकलो, जिंदगी इतनी बड़ी लगेगी, जितनी मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, यूपीएससी कुछ नहीं है भाई, फिजिक्स वाला वो तो ग्रेजुएट भी नहीं है भाई, ड्रॉप आउट है बंदा, समझ रहे हो। बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी गाइस, जस्ट बिकॉज़ कि ओपन माइंडेड है वो और काफी ऑब्जर्वेशन उसके अंदर, कितने आईआईटी काम कर रहे हैं, कितने आईएएस काम करेंगे, समझ रहे हो। ये फोकस मत करो कि किसने क्या किया, समझ रहे हो, तुम अपने ऊपर काम करो। उसने एक सब्जेक्ट पढ़ा के फिजिक्स वाला जैसी ब्रांड बना दी, समझ रहे हो। तो गाइज यही है कि होप नहीं खोना है लाइफ में, भाई के जर्नी से यही पता लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना अल्टरनेटिव सोच लिया है, इन्होंने प्लान भी बना लिया है, इनका इनको अब कोई दिक्कत भाई देखो है। प्लान भी तो आपको पहले से बना के रखना, प्लान भी ये होना चाहिए यार, इतना बड़ा एग्जाम है, 10,000 में एक बंदा सिलेक्ट हो रहा है, 5,000 में एक हो रहा है, कंपटीशन है यार, और वो भी क्रीम हो रहा है, समझ लो, जिसने आईआईटी फोड़ा हुआ है, जिसने कुछ अच्छा अचीव किया हुआ है, समझ लो। अब जैसे मेरे सीनियर्स थे, विनीत तोमर सर उनका 56 रैंक आया था, अक्षय त्रिपाठी सर उनका 4th रैंक आया था, वरुण कान्हा थी, ये सब मेरे को लाइब्रेरी में मिले थे 7th रैंक। हाँ, लेकिन इनका बैकग्राउंड क्या था आपको पता ही नहीं होगा, उनका ESC में 1st रैंक था, अक्षय त्रिपाठी का गेट में 5 रैंक था, बैकग्राउंड बना के रखा हुआ था उसने, फिर UPSC किया एकदम तुम्हारी तरह थोड़ी ना कूद गया, समझ लो। तो बेटा धीरे चलो लाइफ में, ज्यादा तेज चलोगे कछुआ वाली चालो, वो कछुआ वाली और खरगोश वाली स्टोरी सुनी है, खरगोश सो जाता बीच में, ठीक है, कछुए की तरह चलते रहो, एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और मेरा बस ये पॉजिटिव पॉइंट था, मैं कितना भी डिप्रेशन में गया, कितना भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, ठीक है, भले ही मेरे दिमाग में घुस मतलब पढ़ता था उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, क्योंकि भाई मैं मेमोरी लॉस का शिकार था, डिप्रेशन इतना ज्यादा था, दवाइयां इतनी ज्यादा चल रही थी, उसके कारण मेरे जो होता है नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं इनकी, इन दवाइयों के। तो आप यार अपने ऊपर काम करो, बस खुश रहो, समझ रहे हो। और भाई जो लोगों के सपोर्ट में हैं, जैसे मेरे सपोर्ट में कुछ नहीं था, कोई नहीं था, जो बेटर हाफ है वो भी सपोर्ट में नहीं है, इन लॉज का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, सोशल प्रेशर, ऊपर से एज का प्रेशर, एज भी बढ़ रही है, समझ लो, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, समझ लो। तो प्लान भी चेंज, तैयारी फिर करो, डिसीजन ले सकते हो कि यूपीएससी करना है तो कीजिए आप लोग यूपीएससी, बट आप लिमिट कीजिए उस चीज को कि आप 6 अटेम्प्ट और तक जाने का जो रास्ता है ना गाइस, वो काफी खतरनाक होने वाला है गाइस, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो यूपीएससी में काफी कम है। और ये सिर्फ यूपीएससी को लेके मैसेज नहीं है गाइस, ये हर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स का यही है गाइस कहानी, कि इयर्स तो जो मेन यूथफुल एज होता है 21 से 30, वही बर्बाद कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, और अदर अल्टरनेटिव्स नहीं देखने के कारण वो लोग कुछ लाइफ में अच्छा कर भी नहीं पाता, क्योंकि अल्टरनेटिव्स लोग सोचता नहीं है, बोलते कि अरे मेरा तो होना ही होना है। भाई उन्हें मत देखो जिनका 1st अटेम्प्ट में हो रहा है, 2nd अटेम्प्ट में हो रहा है, उन्हें मत देखो, ठीक है। अच्छा, वो एक्चुअली फाउंडेशन करके आए हैं, ठीक है, उन्हें 10वीं में सोच लिया था, उन्हें तभी से टीना दावी को देख रहे हो, उसकी मदर माता पिता दोनों IAS ऑफिसर थे, माँ ने जॉब छोड़ दी लड़की को पढ़ाने के चक्कर में, तुम किससे कंपेयर कर रहे हो, दिव्या तनवर बचपन से होशियार थी पढ़ने में, और ये नहीं उसका लगता है ड्रीम ही था कि यूपीएससी ही करना। हाँ, इनका ड्रीम ही था यूपीएससी करना, इनने इंजीनियरिंग नहीं किया, इनने मेडिकल नहीं किया, समझ लो, डायरेक्ट इनने यूपीएससी में आ गए, ठीक है। तो यार दूसरों को मत देखो, और ये शॉर्ट्स चलाना बंद करो बहन, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तुम, 2-2 मिनट के शॉर्ट्स देख के तुमने यूपीएससी में डिसाइड कर रहे हो कि मैं आज आई DM बनूंगा, कल SP बनूंगा। मेरे साथ के बहुत से बंदे थे उनका जिनका कुछ नहीं हुआ, वो कभी CM बन जाते थे तो कभी PM बन जाते थे। लाइफ के अच्छे डिसीजन आपको कहाँ ले जाएंगे आपको कुछ नहीं पता, समझ लो। एक प्राइवेट जॉब करने वाला इतना कमा लेगा, तुम यूपीएससी की तैयारी करने के बाद कुछ नहीं रह जाओगे, 0।
और ये इंटरव्यू ये शॉर्ट्स मत देखा करो कि होता है ना, छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं टीचरों के, जो दो चार टीचर हैं उनके शॉर्ट्स देखने का मतलब नहीं है कि हाँ उसी की तैयारी है। जॉब जॉब तो एक ही है, IAS, बाकी तो सारी नौकरियां हैं, समझ रहे हो। सब फालतू की चीजें हैं गाइस, डायलॉग वाली से लाइफ में कुछ नहीं होता। और भाई एक हाल का हो जाता है क्योंकि वो बहुत, उनका मोटिवेशनल लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है तुम्हारा भी होगा मैं मानता हूँ, लेकिन भाई सब कुछ मोटिवेशन से नहीं होता। आपका आप कैसे प्रेशर हैंडल कर रहे हो, आप प्रेशर में पड़ रहे हो, आप जहाँ भाई यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं कुछ आपसे जिंदगी में। तो गाइस आपने देखा भाई का काफ़ी ऑनेस्ट जर्नी इन्होंने शेयर किया पापा सॉरी पे। तो गाइस इस सोबित ब्रो का जो जर्नी था उसको समराइज करने के लिए मैं कुछ खास लाइन लिख के आया हूँ सोबित ब्रो के लिए। तो लाइन ऐसा है गाइस कि तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं कि तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं कि तुम मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा, तो अब मिलने का गम होगा। तो गाइज इस लाइन्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज है गाइज कि तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं कि तुम मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। क्योंकि गाइज इनका जो जर्नी था UPSC से स्टार्ट हुआ था, और UPSC स्टार्ट होने के बाद इन्होंने इनकी इनके जर्नी मेंटल हेल्थ इश्यूज इन्होंने काफ़ी सीरियस लेवल पे फेस किया है। इसी जर्नी को समराइज करता है लाइन गाइस कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। तो गाइस इन्होंने तो अपना अल्टरनेटिव्स देख चुके हैं ये। ओके गाइस वी आर एंडिंग दिस इंटरव्यू ऑन पापा सॉरी विथ वेरी फैंटास्टिक इंटरव्यू ये हो गया है गाइस सोबित भाई के साथ, और मजा आएगा गाइस ये इंटरव्यू को आप लोग को देखने में गाइस। तो यही है गाइस, थैंक यू गाइस, और मजे लो जिंदगी के, जिंदगी के मजे लेना बहुत जरूरी है गाइस। इनका और मैसेज निब्बा निब्बी नहीं बनाना, है निब्बा निब्बी नहीं बनना। निब्बा निब्बी तो बिल्कुल ही नहीं बनना गाइस ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स राइट। थैंक्स सोबित भाई यार, आपने जो जर्नी शेयर किया ना उससे काफी लोग इंस्पायर होंगे। भाई इंस्पायर तो होना चाहिए। हाँ इतना जेन्युइन जर्नी किसी ने नहीं बताया हुआ गाइस जितना जेन्युइन भाई ने बताया आज। और गाइज इसके लिए मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल से। तो सोबित ब्रो फाइनली वी आर एंडिंग दिस इंटरव्यू, थैंक यू भाई सोबित भाई। और भाई कंसीडर करो मेरे इंटरव्यू, ठीक है, नहीं तो लाइफ के लिए एल लग जाएगी गाइज एल।